अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द बाइकर्स, ऑल द टूरिस्ट व्यूअर्स। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे होंडा CD70। बड़ी फरमाइशें होती थी कि जी CD70 की राइड करने की वीडियो बनाएं कि इसको कैसे राइड किया जाए। अब ऑब्वियसली ये वीडियो है जो बिल्कुल नए हैं, जो मोटर बाइक सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो है ख़ास तौर पर। और थोड़ा सा मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन करा दूं कि क्या मोटर बाइक कैसे पार्क हुई होती है। आपको मैं बिल्कुल उसी पोजीशन से बता देता हूं कि क्या स्टेप वाइज क्या। सबसे पहले कि आपके पास हाथ में यूँ चाबी होनी चाहिए, बाइक आपको लॉक मिलेगी और इसके इस साइड पे एक लॉक लगा होता है। ये लॉक आपने खोलना ही, एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे और लॉक खुल जाएगा और हैंडल इसका हो जाएगा फ्री। और इसको आप लगा लेंगे यहाँ इग्निशन स्विच में। अब मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ व्यूअर्स इसके पार्ट्स का, कि क्या क्या होता है बाइक में। अगर लेफ़्ट हैंडल ग्रिप पे आएँ तो ये क्लच है। ये क्लच समझ लें कि गियर लगाने के लिए होता है। इसको हम प्रेस करते हैं, इसकी दो पोजीशंस होती हैं, हाफ फुल बल्कि क्वार्टर भी समझें। और अच्छा जी, क्लच के बाद अगर इधर आ जाएं तो ये आ जाती है अगले व्हील की ब्रेक, फ्रंट ब्रेक। और इस हाथ में आपके जो राइट हैंडल ग्रिप पे आती है रेस, इसको आप जितना पीछे करेंगे मोटर बाइक तेज़ होगी। और उसके बाद अगर नीचे आ जाएं व्यूअर्स तो ये आ जाती है पिछली ब्रेक, पाँव में होती राइट पाँव में पिछले वाले व्हील की ब्रेक होती, ये आ गई किक जिससे बाइक स्टार्ट होगी। उसके बाद आ जाते हैं व्यूअर्स, ये है जी गियर लीवर। अच्छा, अब CD70 या कोई भी 70 होंडा का या कोई भी 70, उसके चार गियर होते और चारों लगते हैं आगे, यानी आप आगे प्रेस करेंगे 1 फिर 2 3 4 इस तरह लगेंगे। और वापस इनको करने के लिए इस तरीके से आप बैक करेंगे और फिर न्यूट्रल हो जाएगी। तो अब इसमें हम करते हैं सबसे पहले स्टार्ट, और इसमें मेरा साथ देंगे आज अहमद आएंगे और वो स्टेप वाइज बाइक को स्टैंड से पहले उतारेंगे। और जी बाइक को स्टैंड से उतार लिया, उसके बाद करेंगे ऑन स्विच एक पोजीशन। और हल्का सा आप रेस पे हाथ रखते हुए हल्का सा रेस केक लगाएंगे। केक लगाई, बाइक हो गई स्टार्ट। उसके बाद आपने क्या करने व्यूअर्स के आपने प्रेस करना है क्लच। क्लच प्रेस किया और इधर से गियर लगाया पहला गियर। अच्छा, जब गियर लगाया व्यूअर्स तो आपने हल्का हल्का क्लच छोड़ना है। ठहरें एक सेकंड में, ताकि व्यूअर्स को हल्का हल्का क्लच छोड़ दें, फुल नहीं छोड़ना। और क्लच छोड़ने के साथ यहाँ से रेस देनी है और इस तरह बाइक चलेगी। अहमद आप एक यहाँ ही राउंड लगाओ, किस तरीके से बाइक चलेगी आपने देखा। और जब रोकनी है तो आप लगाएंगे ब्रेक प्रेस करेंगे, पिछली ब्रेक प्रेस करेंगे, अगली भी कर सकते हैं लेकिन इतनी स्लो में। अच्छा, क्लच दबाएँगे और न्यूट्रल करके दिखाएं अहमद। न्यूट्रल हो गई है। अच्छा, मैं अब आपको इसी तरह आप दोबारा मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर लगाएंगे। अच्छा अहमद, अगर आप फिर एक दफ़ा गियर लगा के दिखाएं ताकि पोजीशन कैसे। ये फर्स्ट गियर लगा और ये क्लच छोड़ेंगे। क्लच छोड़ने का मैं दिखाऊं, ये आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़ें, उधर रेस एक राउंड लगाएं। फिर व्यूअर्स आपने सबसे पहले प्रैक्टिस यही करनी है कि कहीं ग्राउंड में या कोई खुली जगह पे आपने उस पे फर्स्ट गियर में ही आपने प्रैक्टिस करनी है। यानी पहले फर्स्ट गियर की प्रैक्टिस हो, उसके बाद फिर आपको सेकंड गियर की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फर्स्ट से सेकंड में डालेंगे। अगर अहमद आप इस तरह राउंड लगाएँ एंटी क्लॉक वाइज, ताकि मैं सेकेंड गियर भी व्यूअर्स को दिखा सकूँ। अच्छा, आप सेकेंड में डालें। ओके व्यूअर्स, ये सेकंड में आ गया। इसी तरीके से आपने मोटर बाइक चलानी है। और ये हो गई है न्यूट्रल।
और जब आपने बाइक खड़ी करनी है उसके बाद फिर आप एक दफ़ा ऑफ़ कर दें। तो व्यूअर्स, ये थी वीडियो बाइक राइड करने की। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा बता दूं कि बाइक जब आप चलाएं तो आप ये फ्यूल कॉक है ये पोजीशन नोट कर लें कि किधर है, यहाँ पे होगा तो फ्यूल बंद होगा। और आपने करना ये है कि ऊपर हो तो रिज़र्व, अगर फ्यूल बहुत कम है तो इसकी ये पोजीशन होगी, और अगर फ्यूल काफ़ी तो आपने इसको यहाँ रखना है। नोट करें कि यहाँ होगा तो फ्यूल बंद हो जाता है, फ्यूल सप्लाई कट हो जाती है माइनस पोजीशन में, इसको आपने ये नीचे कर देना। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, और आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। और जी अहमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बिल्कुल व्यूअर्स के करीब ही है, हेलमेट आपने लाजमी पहनना है। मैंने ख़ुद क्योंकि यहाँ पे बना रहे हैं बिल्कुल एक जगह पे ताकि आपको पता चले, हेलमेट लाजमी है। और क्योंकि ये यहीं पे बिल्कुल ऐसी जगह पे बना रहे हैं ताकि आपको समझ आए, तो अहमद को इसलिए नहीं पहनाया, वैसे हेलमेट इधर ही पड़ा हुआ, क्योंकि ये डेमो वीडियो थी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, इसके साथ ही मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।